नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में श्रद्धांजलि देते वक्त शोक प्रस्ताव पढ़े गए। नेता सदन के साथ साथ सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि CDS विपिन रावत को देते हुए उनकी स्मृतियों को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी आंखों के सामने बार बार CDS विपिन रावत का चेहरा आ रहा है। मुख्यमंत्री ने विपिन रावत के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि CDS विपिन रावत पूर्व सैनिकों की बहुत चिंता करते थे। वो पूर्व सैनिकों के कल्याण की बात हर वक्त किया करते थे। तो देहरादून में आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और इस शीतकालीन सत्र के शुरू पहले ही दिन उत्तराखंड के माटी के लाल देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जो एक दिन पहले तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हुआ। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल विपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले दिन सदन में दिवंगत जनरल विपिन रावत और अन्य 11 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही पूरे सदन ने एक मत होकर यह प्रस्ताव रखा कि उत्तराखंड के में किसी बड़े शिक्षण संस्थान का नाम CDS विपिन रावत के नाम पर रखा जाए। देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी के जाने से जहां देश को, प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि भी है। कल जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली तो एकाएक यकीन नहीं हो रहा था कि भारत का सबसे मजबूत जो हेलीकॉप्टर उनमें से एक है MI-7 V5, तो जनरल रावत इस तरीके से जाएंगे नहीं लगता था। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अध्ययन में विशेष रुचि थी, लेखन में विशेष रुचि थी और सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने एज ए जनरल भी और उसके बाद CDS होने के बाद भी लिए। खासकर रक्षा सौदों में एकदम जो तेजी आई और जिस तरीके से रक्षा सौदों में रसा और अन्य देश रुचि ले रहे थे उनके रहते हुए, उससे लगता था कि भारत की सेना के आधुनिकीकरण में विशेष हाथ जनरल विपिन रावत जी का है और वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे। जिस महापुरुष के त्याग, बलिदान, अदम्य साहस को देखते हुए हिंदुस्तान के हजारों लाखों सैनिक इनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उनका जीवन में यह ध्येय होता था कि हम कभी सेना में जाएंगे तो CDS विपिन रावत जैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही ऐसे हजारों लाखों सैनिकों का मार्गदर्शक और हिंदुस्तान का हमारा नायक हमारे मध्य से आज विदा हो गए हैं। हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मन में ये था कि 2015 की जो दुर्घटना हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने मौत से बचकर निकल आए थे। एक आशा थी कि जनरल रावत शायद और उनकी टीम जीवित होगी, लेकिन सांस ढलते ढलते निराशा हाथ लगी। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल रावत, उनकी पत्नी या हमारे अन्य 11 जो
जाबाज हमारे सैन्य अधिकारी थे, उनके निधन पे या उनकी शहादत पे हमने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन स्थगित करने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत CDS जनरल विपिन सिंह रावत को याद किया गया। सदन में सभी नेताओं ने एक स्वर में उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्य कुशलता और जिस प्रकार से वो देश की सेना को आगे ले गए, देश की सेना और सभी सेनाओं को एक रूपता देने के साथ ही एक बड़े नेतृत्व, बड़ी प्लानिंग की उनकी योजना थी, उस पर चर्चा की गई। आज विधानसभा सत्र में सभी नेताओं ने एक स्वर में जनरल विपिन सिंह रावत के उत्तराखंड से विशेष लगाव पर भी चर्चा की। जनरल रावत पौड़ी के ही रहने वाले थे और 9 नवंबर को वो अंतिम बार राजभवन में एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। आज सत्र में कई विधायकों व प्रतिनिधियों ने इस बात की भी मांग की है कि जनरल विपिन सिंह रावत के ही नाम पर किसी बड़े अथवा महत्वपूर्ण संस्थान का नाम भी घोषित किया जाए। आज के दिन सत्र का पहला दिन जनरल विपिन सिंह रावत के नाम रहा। अब कल से विधानसभा सत्र की कार्रवाई विधिवत शुरू होगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चौफाल ने भी CDS विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है और उनसे जुड़े अपने संस्मरण को याद किया। रावत जी का जाना पूरे देश के लिए, देश की सेना के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसमें उत्तराखंड ने अपने एक ऐसे लाल को, जिसने पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जो अपनी आक्रामक कार्यशैली, जाबाजपन और अदम्य साहस जो उनके अंदर था, जिसमें दुश्मन को खदेड़ने की भावना जो उनके अंदर थी एक सैनिक के रूप में, तो ये हमेशा याद रहेगा। आज पूरा देश, पूरा उत्तराखंड एक जाबाज सिपाही को खोने से दुखी है। आज हम उत्तराखंडवासी विशेष करके, क्योंकि उत्तराखंड के गरीब परिवार में एक गांव में पैदा हुआ एक नौजवान जो देश के सेनाओं के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है, जिसने तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया, आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब लोग उत्तराखंडी बहुत दुखी हैं जी। कल जो विपिन चंद्र रावत जो हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हादसा हुआ, उससे पूरा राष्ट्र शोकाकुल है। जनरल हरिचंद रावत का जो सैन्य रणनीति का जो अनुभव था, उसको देखते हुए सेना के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारियों को दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी CDS विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हमारे बहुत ही शिरोमणि जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है और ये द्वारिखाल ब्लॉक में, ग्राम सैण में, बरबोली में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी के साथ इनका निधन हुआ है। बहुत ये दुख की बात है हमारे लिए, बहुत हम लोग व्यथित हैं इस घटना से और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख का विषय है ये हमारे लिए, और वो हमारे बहुत शिरोमणि थे और मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध था। उनके विचार जो हमारे जो सेना सैन्य शक्ति को मजबूत करने का और चीन से लड़ने का जो उनका मुद्दा था, बड़े जाबाज थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी CDS विपिन रावत के निधन पर शोक प्रकट किया है। देखिए, CDS जनरल रावत और उनकी पत्नी, 11 अन्य अधिकारी और सैनिक जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, दुर्घटना में CDS सहित उनकी पत्नी और अन्य सभी अधिकारी और सैनिक का बलिदान हुआ है। जनरल रावत की जब चर्चा करते हैं तो भारत के सेना में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की चर्चा होती है, तो जनरल रावत एक ऐसे उत्कृष्ट सैनिक के रूप में काम किया, चाहे चाइना के जो उस समय परिस्थिति बनी थी, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उस समय का एक व्यवस्था और परिस्थिति थी।
सीडीएस विपिन रावत के आकस्मिक निधन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में शोक सभा और प्रार्थना सभा का आयोजन किया और हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। आप नेताओं ने कहा है कि पूरे देश समेत उत्तराखंड ने एक नायाब हीरा खोया है। सीडीएस रावत देश की शान थे और युवाओं के रोल मॉडल थे। अपने राज्य उत्तराखंड से उनका लगाव भी काफी था। आम आदमी पार्टी ने देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सीडीएस जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी के नेता दिग्मोहन नेगी ने सीडीएस रावत के पैतृक गांव द्वारीखाल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही जनरल रावत के छोटे चाचा भरत सिंह रावत से भी मुलाकात की। भरत सिंह ने बताया कि जनरल रावत जल्द ही अपने गांव आने वाले थे। द्वारीखाल जो उत्तराखंड के सुदूरवर्ती पौड़ी जिले में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था सीडीएस जनरल विपिन रावत का। और आज आम आदमी पार्टी के नेता दिग्मोहन नेगी उनके पैतृक गांव गए। उनके परिवार के जो लोग गांव में अभी रहते हैं उनसे मुलाकात की। उनके एक चाचा वहां पर रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है। इससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत गमगीन है और स्तब्ध है, दुखी है। आज मैं उनके गांव पैतृक गांव सैण पहुंचा और उनके सबसे छोटे चाचा जी भरत सिंह रावत जी से मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल विपिन रावत न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे देश का गौरव थे। उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका भी देहांत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम जनरल विपिन रावत के पूरे परिवार के साथ में हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर। सीडीएस जनरल विपिन रावत का उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा और लगाव रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनका मूल गांव पौड़ी जिले में है और उनकी दसवीं की शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रन स्कूल में हुई और इस स्कूल से जुड़ी हुई उनकी यादें बेहद ही खास हैं। देश ने अपने सीडीएस को खोया है। उनकी पत्नी उस चॉपर क्रैश में उनके साथ थी और 11 अधिकारी और जीसीओस को हमने खोया है। तो आज सदन में प्रत्येक साथी ने शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने का काम किया और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि विपिन रावत जी इस उत्तराखंड की जमी से जो है पैदा एक ऐसे सीडीएस रहे जिन्होंने बड़े लंबे सेवाओं के बाद इस मुकाम को हासिल करने का काम। रुड़के में इकबालपुर रोड पर बस स्टैंड के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो बस स्टैंड पर बने सवारी शेड में घुस गई। इस घटना में शेड में मौजूद दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों युवक इकबालपुर मेन रोड से अपने गाँव धर्मपुर जा रहे थे। स्कॉर्पियो सवार ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने युवकों का शव मेन रोड पर रखकर प्रदर्शन किया है।